grind, yeah, they do for do. I just met my soulmate in a stolen coupe. The contact. Hey guys, my name is Abhijit and you're watching Code Keen. So in this video we will disclose how you can get internship as a Python developer. So getting internship in India is very easy as a Python developer because Django is at a very boom level. मतलब Django एक बहुत ज़्यादा अच्छे level पे है और Django बहुत सारी companies जो हैं वो Django को use करती हैं, Python को use करती हैं, चाहे वो Flask हो चाहे वो Django हो, but दोनों बहुत ज़्यादा popular framework हैं India के अंदर. और India के अंदर as a Python developer internship पाना बहुत ज़्यादा easy है क्योंकि आप को बस वो स्किल सेट होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज हैं जो इंटर्न को ढूंढती हैं बट उन्हें अच्छे इंटर्न नहीं मिलते, इसलिए वो हायर नहीं कर पाती हैं. तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले जो है वो आपको एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी अपने अंदर लेकर के आनी होगी. तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आपके अंदर कैसे आ सकती है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी की चीज़ें क्या होती है, जैसे आप मेंटल प्रैक्टिस करते हो तो मेंटल प्रैक्टिस के लिए आपको एक आपके कोर सब्जेक्ट्स में होता है कंप्यूटर साइंस में डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम. सो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम आपको सॉल्व करनी, मतलब आप जब बेसिक डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम सीख लोगे, जैसे लिंक्ड लिस्ट, स्टैक, क्यू, हीप और जो एल्गोरिथम्स होती हैं जैसे इंसर्शन, बाइनरी, बबल और ग्राफ की जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी, जब आप एल्गोरिथम चीज़ें सीख लोगे तो आपको थोड़े बहुत जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जो मिनिमल सेट ऑफ प्रॉब्लम होते हैं वो स्टार्ट करने होंगे, क्योंकि इंटर्न से उतने ज़्यादा लेवल के डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते. वो बेसिक बस टेस्टिंग होती है कि हाँ आपको ये प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है आपके अंदर, ठीक है. तो आपको मेजरली थोड़े बहुत क्वेश्चंस करने होंगे. व्हाट आई विल प्रेफर इज रिकमेंड इज लीड कोड. लीड कोड इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट एंड आई हैव यूज लीड कोड फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस एंड दे हैव अ वेरी ग्रेट क्वेश्चन, यू कैन सॉल्व दैट एज वेल. सो आपको बस थोड़े बहुत क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. मेजरली व्हाट आई विल रिकमेंड बिटवीन 100 to 200 और जो मेजर जो क्वेश्चन आते हैं आप क्वेश्चन में, उसके बाद में जब आपके 100 से 200 के बीच में जो क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे तो आपको क्या करना है, जो Django के अंदर आपको डूब जाना है, ठीक है. तो Django के अंदर जाने के बाद जब बेसिक, हाँ सबसे पहले इंपॉर्टेंट एक चीज़ पॉइंट यहाँ पे है कि लोगों को पाइथन अच्छे से आती नहीं है और आप Django में कूद पड़ते हो तो वो बहुत ज़्यादा फ्लॉ पॉइंट होता है, क्योंकि जब आप इंटर्न के लिए जाते हो तो वो आपसे Django में उतना ज़्यादा नहीं पूछेंगे बट वो आपसे पाइथन में बहुत ज़्यादा अच्छे से पूछ लेंगे कि पाइथन में गेटर सेटर क्या होते हैं, है ना, जनरेटर क्या होते हैं, ईल्ड क्या होता है, ये सब चीज़ें पूछ ली जाएंगे आपसे, डेकोरेटर्स क्या होते हैं, इन सब चीज़ों पे पूछे जाएंगे. और वहाँ पे अगर आप फेल होते हो तो तुरंत ही वो आपको रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि आप यार Django के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपको पाइथन नहीं आती, तो ये सब चीज़ें फंस जाती हैं वहाँ पर जा करके, ठीक है. तो पाइथन जब आप मास्टर कर लो उसके बाद में आपको क्या करना होगा, Django है और Django के अंदर बेसिक जो प्रोजेक्ट्स होते हैं जो मैंने लिस्ट बनाई हुई वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा, उन प्रोजेक्ट्स को आप फॉलो करिए. और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है आपको वहाँ पर अपनी पोर्टफोलियो बिल्ड करना है. लिंक्डइन पे जैसे ही कोई प्रोजेक्ट बनाओ, अपना वीडियो बनाओ उसका, प्रोजेक्ट का लिंक्डइन पे डाल दो, उसके बाद में उसको गिटहब पे अपलोड करो, उसको डिप्लॉय करो, ये सब चीज़ें करते रहो, ठीक है. उससे क्या होगा, आपकी पोर्टफोलियो बन जाएगी. और अपने रिज्यूमे में हर एक प्रोजेक्ट को ऐड करो जो लगता है कि हाँ ये थोड़ा वेट गेन करेगा, है ना. तो वहाँ पे फिर जब वो रिज्यूमे आप अपने जो रिक्रूटर होगा उसको भेजोगे तो बहुत ज़्यादा मतलब इम्पैक्ट पड़ जाएगा. अब कहोगे कि यार कौन सी वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, तो बहुत सारी कंपनीज वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो. वो सबसे पहले जो मैं रिकमेंड करूँगा, सबसे ऑथेंटिक जो वेबसाइट है वो लिंक्डइन है. लिंक्डइन में बहुत सारी इंटर्नशिप आपको मिलती है, वहाँ पे एक इजी अप्लाई का बटन होता है, वो उसको क्लिक करो, कुछ नहीं करना है, बस आपसे थोड़ी बहुत डिटेल, नाम, ईमेल और रिज्यूमे जो आपकी होगी वो पूछेगा फर्स्ट टाइम, है ना, हर बार बाकी वो उठा लेगा वहीं से. अप्लाई किया, 10 कंपनी में अप्लाई करोगे इंटर्न के लिए, अगर आपकी रिज्यूमे सही है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 5 कंपनी आपको कॉल करेगी. और उनमें से 5 कंपनी को आप कैसे टैकल करते हो, कैसे इंटरव्यू जाता है, वो आपके ऊपर होता है. तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब आप पोर्टफोलियो बिल्ड कर लोगे तब बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है प्रोजेक्ट बनाना. और साथ ही साथ Django और इन सब की तो नॉलेज आपको होनी चाहिए, जब इन सब की नॉलेज होगी तो क्यों नहीं यार कंपनी आपको हायर करेगी. और जो प्रोजेक्ट्स मैंने बताए हुए हैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में उसका लिंक है, उन प्रोजेक्ट्स को बना लो और ईजिली भाई जॉब पा जाओगे. बहुत ज़्यादा आसान है इंडिया में Django के अंदर
जॉब पाना, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज अगर तुम देखोगे इंटर्न को हायर करती हैं, और वो भी पेड इंटर्नशिप होगी. और जब इंटर्नशिप मिल जाती है ना अच्छी कोई ठीक ठाक कंपनी में, तो वहीं पे आपको हायर भी कर लिया जाता है, या फिर आप वहाँ से छोड़ करके दूसरी कंपनी में जा सकते हो. तो इस वीडियो के एंड में मैं यही कहूँगा, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो फीचर है पाइथन, आपकी स्किल बहुत ज़्यादा इन्हांस होनी चाहिए, डेटा स्ट्रक्चर चैनल को अध्ययन होना चाहिए, और जो कोर कॉन्सेप्ट होते हैं पाई उसके कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल के, तो वो बहुत ज़्यादा आने चाहिए, क्योंकि वहाँ से भी कभी कभी क्या होते हैं क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे DVMS के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटर्न में, है ना. और इंटर्न से खैर उतना लेवल का पूछा नहीं जाता है, बट हाँ जो कोर कॉन्सेप्ट होते हैं जो आप पढ़ करके आए हो, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं. तो ये था वो वीडियो जो कैसे इंटर्नशिप पा सकते हैं, और आई होप ये वीडियो पसंद आया. तो प्लीज़ अगर ये वीडियो पसंद आया तो और लोगों तक शेयर करिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय.